हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं 3.5 कोर का अंडरग्राउंड केबल के बारे में। ये एक XLPE केबल है। आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है KEI केबल इलेक्ट्रिक 1.1 KV 3.5 कोर 240 स्क्वायर mm A2XFY। A2XY XFY का मतलब होता है आपका XLPE केबल। XLPE एक इंसुलेशन रहता है, जैसे PVC इंसुलेशन बोलते हैं ऐसे ये XLPE का इंसुलेशन है। PVC इंसुलेशन से XLPE इंसुलेशन थोड़ा अच्छा रहता है। PVC इंसुलेशन में हमारा हीट कैपेसिटी 70 डिग्री तक, डिग्री टेम्परेचर तक विस्टैंड कर सकता है, मगर जो कि ये XLPE इंसुलेशन है इसमें इसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक विस्टैंड रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया XLPE इंसुलेशन के बारे में, उसके बाद हम देखना चाहेंगे केबल के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब क्या है। KEI एक कंपनी का नाम है। केबल्स मतलब जो हम यूज कर रहे हैं मेटल, उसको केबल्स ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब ये इलेक्ट्रिक केबल है, पावर केबल को इलेक्ट्रिक केबल बोलते हैं। 1.1 KV मतलब एक हमारा सिंगल सिंगल फेज में उसका करंट कैपेसिटी 1100 किलो वोल्ट तक लेके जा सकता है। और ये 3.5 कोर इसीलिए बोलते हैं, 3 कोर हमारा रेड येलो और ब्लू तीन फेज है, 0.5 जो है हम न्यूट्रल को लेते हैं, सो ये 3.5 कोर हो गया। 240 मतलब केबल का साइज है 240 स्क्वायर mm, और A2XFY हमारा XLPE केबल। अभी हम जाना चाहेंगे केबल के अंदर क्या रहता है, 3.5 कोर किस लिए इसको बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज और ये न्यूट्रल है, जो कि आप देख सकते हैं रेड, येलो और ब्लू ये तीनों का साइज सेम है, मगर ये ब्लैक 50% साइज है। क्यों ना, न्यूट्रल एक अर्थिंग टाइप का है जिसमें हम करंट पास नहीं कराते हैं। न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर से आता है और इस ये जस्ट लाइक एक अर्थिंग रहता है, अर्थिंग बोलते हैं उसको, और ये रेड, येलो, ब्लू के थ्रू हम करंट पास कराते हैं। तो ये 3.5 कोर आप देख सकते हैं, तो ये तीनों ये सभी मिला के 240 स्क्वायर mm केबल है इसका। केबल में क्या क्या मटेरियल यूज होता है और क्यों यूज होता है और किस लिए यूज होता है, तो मेन है हमारा ये कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, करंट, करंट इसके थ्रू पास होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ हम एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं करंट को पास कराने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह को पास कराने के लिए केबल का यूज होता है, मेन है ये कंडक्टर। ये सभी बाकी सभी जो मटेरियल है ये सभी इसका इंसुलेशन है, ये कंडक्टर को सेफली रखने के लिए और कूल रखने के लिए, प्लस मैकेनिकल डैमेज नहीं होने के लिए ये बाकी सभी मटेरियल यूज होता है। तो पहले हम देख सकते हैं ये पहले आ गया हमारा कंडक्टर जिसके थ्रू हमारा करंट पास होगा, उसके बाद ये जो रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर देख रहे हैं ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन क्या होता है, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों का कॉन्टैक्ट आसपास आ गया तो केबल ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है। ड्यू टू दैट ये इंसुलेशन यूज किया जाता है। उसके बाद ये आता है हमारा इंसुलेशन स्क्रीन। ये टोटल इंसुलेशन स्क्रीन क्या है, ये इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेशन स्क्रीन का यूज रहता है। तो हम इंसुलेशन स्क्रीन के बारे में देखें। नेक्स्ट हम ये देखते हैं ये जो मटेरियल है ये है इनर सीथ। इनर सीथ क्या होता है, हमारा केबल को एक राउंड शेप के हिसाब से पकड़ के रखता है, जहाँ हम लोग मतलब जहाँ मैकेनिकल डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता है तो यहाँ तक ही मेटल यूज होता है। जहाँ मैकेनिकल डैमेज होने का चांसेस रहता है ये इनर सीथ के बाद ये आता है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग क्या होता है, जैसे पत्थर कुछ गिरा या कुछ हैवी मेटेरियल कुछ गिरा तो ये केबल को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ कंडक्टर को कुछ डैमेज नहीं होने का चांसेस रहता है, और ये आज अर्थिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है आउटर सीथ। आउटर सीट आप जो देखते हैं ये भी एक इंसुलेशन मटेरियल है। तो हमारा आर्मोरिंग के ऊपर ये आउटर सीट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आर्मोरिंग को टोटली वो कवर करके रखें, और ये देख सकते हैं आप इनर सीट से, इनर सीट से ज़्यादा हमारा ये जो आउटर सीट है इसका थिकनेस, इसका थिकनेस ज़्यादा है। क्यों इसका थिकनेस ज़्यादा है ना, आर्मोरिंग को ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसका थिकनेस ज़्यादा रहता है।